ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन 4 whenever entity issue shares to its employees. For their services. देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर के ट्रांजेक्शन पर कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इश्यू कर रही है लेकिन व्हेनेवर एन एंटिटी एग्रीड टू प्रोवाइड शेयर्स to its employees such plan are known as a stock option plan स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन केस ऑफ एम्प्लॉई फेयर वैल्यू of service is not available and hence accounting under this situation will be at fair value of option granted देखिएगा, एक एम्प्लॉई ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हम उसकी फेयर वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते और चूंकि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो आप इस सिचुएशन की जो अकाउंटिंग करोगे वो किस पर करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पर अकाउंटिंग करोगे। आपने जो ऑप्शन अपने एम्प्लॉई को दिया है उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू पर क्या किया जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन must be
गिवन ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड इफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट गिवन, देन अकाउंटिंग विल बी एट इंट्रिंसिक वैल्यू, एट इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिएगा, ऑप्शन की फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। आप ऑप्शन की फेयर वैल्यू यहां पर नहीं निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन की फेयर वैल्यू दी हुई है तो आप उसी वैल्यू पर अकाउंटिंग करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो आप जो अकाउंटिंग करोगे वो किस पर करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर अकाउंटिंग करोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? आज के दिन की मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ले लोगे और उसमें से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दोगे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, और जो अकाउंटिंग होगी वो केवल किस पर होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू पर जाकर होगी। वापस से मेरी बात को सुन लेना। देखिए, एम्प्लॉई के साथ जब ये प्लान लिया जाता है तो चूंकि एम्प्लॉई के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, और इसीलिए हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पर करेंगे। यानी हमने अपने एम्प्लॉई को जो ऑप्शन दिया है हम उसकी फेयर वैल्यू पर लेंगे। नाउ, अब ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको नहीं निकालना है, यानी आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दी जाएगी, और आपको अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दी हुई है तो फिर अकाउंटिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर न होकर इंट्रिंसिक वैल्यू पर बेस्ड होगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कंप्यूट करोगे, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। फेयर वैल्यू ऑब्लिक इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिफाई ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इसको एक नाम मैं दूंगा ग्रांट डेट। अभी लेटर ऑन हम डेफिनेशंस पर बात करेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑब्लिक इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिफाई ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड नेवर बी रिव्यूड नेवर बी रिव्यूड। लीजिएगा, अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनना। आप जो अकाउंटिंग करने वाले हो या तो वो फेयर वैल्यू पर होगी या इंट्रिंसिक वैल्यू पर होगी, और ये दोनों ही वैल्यू आप
किस दिन ढूंढोगे, ग्रांट डेट पर या डेट ऑफ एग्रीमेंट पर ढूंढोगे, और उसके बाद इसे कभी भी रिव्यू नहीं किया जाएगा। रिव्यू करने का मतलब है अगर इन केस कहीं पर भी कोई वैल्यू में चेंज होता है तो इट शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, उस फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को एक बार ढूंढना है, और वो ढूंढना है डेट ऑफ एग्रीमेंट पर यानी ग्रांट डेट पर, और उसके बाद कभी भी आपको उसे रिव्यू नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, चलिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, अंडर दिस सिचुएशन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर हम बात करेंगे जो कि आपकी इस सिचुएशन में काम में आने वाली है। ए ग्रांट डेट, टर्म नंबर वन है आपकी ग्रांट डेट, इट रिप्रेजेंट द डेट ऑन विच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉईज एग्रीड फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। इट रिप्रेजेंट द डेट ऑन विच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉईज एग्रीड फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ग्रांट डेट उस डेट को रिफ्लेक्ट करेगी जिस डेट को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में इन शेयर बेस्ड पेमेंट्स को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्रीमेंट बना था, उस डेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रांट डेट बोलते हैं। बी वेस्टिंग कंडीशन, एनी कंडीशन इंपोज्ड बाय एम्प्लॉयर आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑफ विच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर्स।
टू रिसीव शेयर्स। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब है एम्प्लॉयर के द्वारा इम्पोज्ड की गई कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके पूरा होने के बाद ही आपको शेयर्स मिलेंगे। अगर आप वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर्स। और अगर आप वो कंडीशन पूरी कर देते हैं तो फिर उन कंडीशन के पूरा होने पर आपको क्या होगा, अधिकार मिल जाएगा किस चीज का, शेयर्स को पाने का। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन कैन बी, ये वेस्टिंग कंडीशन हो सकती है सर्विस ईयर रिलेटेड, और परफॉर्मेंस रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड, और कैन बी बोथ, बोथ दैट इज सर्विस प्लस परफॉर्मेंस। लीजिएगा, ये जो वेस्टिंग कंडीशन होती है या तो ये सर्विस ईयर रिलेटेड हो सकती है। व्हाट डज इट मीन, मैंने अपने एम्प्लॉय को ये बोला कि अगर तुम मेरे यहां पर 3 साल तक काम करोगे तो मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज को क्या बोला, अगर तुम मेरे यहां पर 3 साल तक काम करोगे, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में रहोगे, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, ठीक है। या मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला, अगर कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी की अर्निंग्स 15% हो जाएं तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा। या अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए, जैसे 1900 यूनिट्स हो जाए, 2500 यूनिट्स हो जाए, तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा। दिस विल बी कॉल्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन। या बोथ, दोनों बातें, कि अर्निंग्स इतनी हो जाएं और तब तक तुम्हें मेरे बिजनेस में कंटिन्यू भी रहना होगा। क्लियर? तो यानी आप जो कंडीशन इम्पोज्ड करोगे वो कंडीशन सर्विस ईयर से रिलेटेड हो सकती है, वो कंडीशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर वो कंडीशन दोनों यानी सर्विस एज वेल एज परफॉर्मेंस दोनों से रिलेटेड भी हो सकती है। क्लियर है? बिल्कुल। आइए, वेस्टिंग पीरियड पीरियड इन विच कंपनी एक्सपेक्ट दैट देखिएगा, वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या है, द पीरियड इन विच कंपनी एक्सपेक्ट दैट
एम्प्लॉई विल फुलफिल दैट कंडीशन। फुलफिल दैट कंडीशन, देखिएगा सबसे पहली बात, वेस्टिंग पीरियड जो है वो एक्सपेक्टेड होता है, यानी अब आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन को लगाया है, तो अब वो परफॉर्मेंस कब पूरा हो जाएगा इस बात का कंपनी को एस्टीमेशन लगाना पड़ता है। तो वो पीरियड जिसमें कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एम्प्लॉई उस कंडीशन को पूरा कर देगा, उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। एक्सपेंसेस विल रिकॉग्नाइज, एक्सपेंसेस विल रिकॉग्नाइज ओवर द वेस्टिंग पीरियड, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब आपने जो खर्चा एक्सपेक्ट किया है कि इतने सालों तक ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, खर्चा उसी दौरान क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इफ वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन, देन एस्टिमेट दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू बेस्ट फॉर द कंपनी। देखिए नॉर्मली तो आपको वेस्टिंग पीरियड हमेशा गिवन होगा, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि आपको वेस्टिंग पीरियड गिवन नहीं है, तो हमेशा कंपनी के बेस्ट व्यू पॉइंट से बात करेंगे। यानी कंपनी अगर अच्छा सोचती है तो कंपनी कितनी जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैंने अपने एम्प्लॉय पर अर्निंग बेस्ड कंडीशन लगाई, अब वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया, तो बताओ मैं क्या सोचूंगा कि मेरी जो अर्निंग्स हैं, जो मेरी टारगेट अर्निंग्स हैं, वो मुझे देर से मिलनी चाहिए या मुझे जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप उसका एस्टीमेट बेस्ट फॉर द कंपनी व्यू पॉइंट से करेंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल की मैंने बात की कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान दिया है, यानी अगर आप हमारी कंपनी की अर्निंग्स को इतना करा दोगे तो हम आपको शेयर्स देंगे। नाउ पीरियड इज नॉट गिवन, तो बताइए हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्या सोचते हैं? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बेस्ट सोचोगे तो क्या सोचोगे कि कंपनी अपने इस अर्निंग के टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर ले या देरी से अचीव करे। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम ये मान के पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी इस टारगेट को क्या करेगी, जल्दी से जल्दी अचीव कर लेगी। ठीक है, उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, और उसी पीरियड को क्या किया जाता है, उसी पीरियड पर खर्चा बुक किया जाता है। वेस्टिंग पीरियड कैन बी रिवाइज्ड इफ
कंडीशन अलाउ, नॉर्मली तो वेस्टिंग पीरियड कब डिसाइड होगा? इनिशियल स्टेज पर, लेकिन इट कैन बी रिवाइज्ड। अगर आपने कोई कंडीशन ही ऐसी जोड़ी है जिसमें वेस्टिंग पीरियड एक से ज्यादा डिसाइड हो सकते हैं, तो देन वी कैन रिवाइज द वेस्टिंग पीरियड। ये लेटर ऑन मैं आपको सब समझाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको इन सारी बातों को जितनी भी डेफिनेशन में ले रहा हूं वो क्लियर हो जाएंगी। बस अभी पॉइंट टू पॉइंट समझना कि वेस्टिंग पीरियड रिवाइज हो सकता है अगर कंडीशन इस बात को क्या करें, अलाउ करें। तो ये आपके पास थी वेस्टिंग पीरियड, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट डी पॉइंट, एक्सरसाइज प्राइस, द प्राइस पेबल बाय एम्प्लॉइज, द प्राइस पेबल बाय एम्प्लॉइज फॉर ओबटेनिंग शेयर्स अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। अब देखिएगा, आपने अपने एम्प्लॉई को जो ऑप्शन दिया है तो उस ऑप्शन में आप उससे अगर कोई प्राइस ले रहे हो तो वो प्राइस क्या कहलाती है? एक्सरसाइज प्राइस कहलाती है। एक्सरसाइज पीरियड द पीरियड इन विच एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज द पीरियड इन विच एम्प्लॉई कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन बाय पेइंग एक्सरसाइज प्राइस बाय पेइंग एक्सरसाइज प्राइस। देखिए, अब ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि आज उसने कंडीशन पूरी की और आज ही आप बोलोगे कि भैया शेयर्स लेने हैं तो आज ही ले। आप उसे एक पीरियड देते हो, आप बाय पेइंग एक्सरसाइज प्राइस आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ वेस्टिंग कंडीशन, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ वेस्टिंग कंडीशन। देखिएगा, आपने वेस्टिंग कंडीशन को पूरा कर दिया है, अब उसके बाद कंपनी आपको एक टाइम पीरियड देती है जिस टाइम पीरियड के दौरान आप कभी भी कंपनी के पास आए, एक्सरसाइज प्राइस का पेमेंट करें और उसके बाद आप क्या करें, आप कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो जो पीरियड कंपनी आपको अलाउ कर रही है उस पीरियड को हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेट एक्सरसाइज डेट
डेट ऑन विच द डेट ऑन विच एम्प्लॉई एक्सरसाइज देयर राइट्स एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ओबटेन शेयर्स एंड ओबटेन शेयर्स बाय पेइंग एक्सरसाइज प्राइस। ये लीजिए एक्सरसाइज डेट, वो डेट होती है जिस डेट पर एम्प्लॉय ने अपने राइट को एक्सरसाइज कर लिया है और अब आज के दिन उसने कंपनी को एक्सरसाइज किया और बदले में क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए। उस डेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। जी अनवेस्टेड ऑप्शन लेब्स्ट द ऑप्शंस That are not vested. That is, employees are unable to satisfy वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन। बहुत ध्यान से सुनना, अनवेस्टेड, अनवेस्टेड का मतलब है अभी तक वो वेस्ट ही नहीं हुए हैं, यानी एम्प्लॉय ने अभी तक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है और उससे पहले ही वो ऑप्शन लैप्स हो गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपको 3 साल का कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट रखना है लेकिन किसी एम्प्लॉई ने 2 साल बाद ही काम छोड़ दिया, तो देखिएगा कंडीशन वेस्ट कब होती है, ऑप्शन वेस्ट कब होता है, जब आप उस कंडीशन को पूरा कर दो। लेकिन अगर आप कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो, आप कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो और अगर आपके पास से वो ऑप्शन लेप्स हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। इफ Employees are unable to exercise their right after सेटिस्फाइंग वेस्टिंग कंडीशन, आफ्टर सेटिस्फाइंग वेस्टिंग कंडीशन,
नोन एज, वेस्टेड ऑप्शन लिस्ट, वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट। बहुत ध्यान सुनना, देखिएगा, ऑप्शन के वेस्ट हो जाने का मतलब है कि आपने उस ऑप्शन के साथ जो कंडीशन अटेस्ट थी वो कंडीशन आपने पूरी कर दी है, लेकिन अब आपने लेने से शेयर मना कर दिया। आप समझ रहे हैं, ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं, यानी जो वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई थी वो वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन वेस्टिंग कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर एम्प्लॉई ये बोलता है कि नहीं मुझे इस कंपनी के शेयर्स नहीं लेने हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। दो बातें हैं ये, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स और वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। बात को बहुत ध्यान से सुनना, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब है कंडीशन पूरी होने से पहले ही वो लैप्स लैप्स हो जाए। कंडीशन सेटिस्फाई होने से पहले ही अगर ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं तो ये कहलाएंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये ऑप्शन लैप्स होते हैं तो इन्हें बोला जाता है वेस्टेड ऑप्शन का लैप्स होना। तो देखिएगा कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, ग्रांट डेट, वेस्टिंग कंडीशन, देन वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज डेट, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड और वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार काम में आएंगे। हाँ जी, तो अब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आप अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, वेस्ट पेमेंट प्लान विथ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के साथ हमने जो शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्रीमेंट किया है, अब उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले स्टेप वन, आइडेंटिफाई वेस्टिंग कंडीशन, आइडेंटिफाई वेस्टिंग कंडीशन इम्पोज्ड बाय एम्प्लॉयर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई है वो क्या है। सर्विस पीरियड रिलेटेड कंडीशन, सर्विस पीरियड रिलेटेड कंडीशन, और परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन और बोथ, दैट इज
सर्विस पीरियड एंड परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस बेस्ड, तो लीजिए अकाउंटिंग स्टार्ट करते समय आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉयर ने क्या वेस्टिंग कंडीशन इंपोज्ड की हुई है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले कंडीशन आपको देखनी है। नोट, कंडीशन मस्ट बी इंपोज्ड, कंडीशन मस्ट बी इंपोज्ड ऑन ग्रांट डेट। और ये कंडीशन कब इंपोज की जाएगी? ग्रांट डेट पर इंपोज की जाएगी। तो दैट इज योर स्टेप नंबर वन। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा स्टेप नंबर टू। आइडेंटिफाई वेस्टिंग पीरियड, आइडेंटिफाई वेस्टिंग पीरियड दैट इज द पीरियड इन विच द पीरियड इन इन विच कंपनी एक्सपेक्ट टू सेटिस्फाई, कंपनी एक्सपेक्ट टू सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशन, द वेस्टिंग कंडीशन। दैट इज अवर स्टेप नंबर टू। हम वेस्टिंग पीरियड अंडरलाइन कर लेंगे इस टर्म के ऊपर, वेस्टिंग पीरियड। अब आपने जब कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली है तो अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना पीरियड कंपनी सोचती है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो इस कंडीशन को पूरा कर देंगे। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। नोट, एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर वेस्टिंग पीरियड, ओवर वेस्टिंग पीरियड। आपके जो भी एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं वो ओवर द वेस्टिंग पीरियड होते हैं। नोट, इफ वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन क्लियरली, नॉट गिवन, देन यूज बेस्ट एस्टीमेट अप्रोच, बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच। लिसन वेरी केयरफुली, अगर आपको वेस्टिंग पीरियड दिया हुआ नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच काम में लोगे। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच क्या होगी, ये मैं लेटर ऑन आपके साथ विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो दैट इज योर स्टेप नंबर टू। आपको वेस्टिंग पीरियड को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चले आगे, लिखिएगा स्टेप थ्री।
एस्टिमेट नंबर ऑफ ऑप्शंस, एस्टिमेट नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड Estimate number of options expected to be exercised at the end of each year over the vesting period. That is the most important step. अब हम क्या estimate करेंगे? Number of options expected to be exercised क्या होगा? यानी कितने number of options exercise किए जाएंगे? और ये बात जो expected है, वो आपको at the end of each year देखनी पड़ेगी. Over the vesting period. What does it mean? मान लेते हैं यह है ग्रांट डेट, ये तो है हमारी ग्रांट डेट, ठीक है. यह है ईयर वन, यह है ईयर टू और यह है ईयर थ्री. नाउ अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना. मान लीजिए कंडीशन क्या लगाई गई है आपके ऊपर, कंडीशन लगाई गई है 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस की कंडीशन है, ठीक है, 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस. अब मैं यहां पर पहुंचा सबसे पहले ईयर वन के एंड पर, ठीक है. बहुत ध्यान से सुनना, क्या मुझे शेयर्स ईयर वन पर देने हैं? नहीं, 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट, 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट, 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट. तो मैंने ईयर वन पर खड़े होकर सोचा, मैंने ईयर वन पर खड़े होकर सोचा है, क्या सोचा है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो इस कंडीशन को पूरा कर देंगे और यहां तक मेरे यहां पर काम करेंगे. ये बात मैंने यहां पर एस्टिमेट की और उसके आधार पर मैंने ईयर वन का खर्चा निकाल दिया. कैसे निकालेंगे अभी हम उस बात को भी बात करेंगे. उसके बाद आया ईयर टू, बहुत ध्यान से सुनना, ईयर टू आ गया. क्या आपको आज शेयर देने हैं? नहीं, फिर सोचो, फिर सोचा, क्या सोचा कि अब यहां तक कितने एम्प्लॉई काम करेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे जो हमें यहां पर लोगों को देने पड़ेंगे. हमने यहां पर भी सोचा और उस हिसाब से खर्चा बुक कर दिया. यहां है ईयर थ्री, ईयर थ्री, आज वेस्टिंग पीरियड का अंतिम ईयर है. तो आज सोचेंगे नहीं, आज एक्चुअल ले लेंगे कि भैया अब एक्चुअल कितने लोगों ने कंडीशन को पूरा कर दिया है. तो मैंने क्या लिखवाया वो बहुत ध्यान से सुनना, एस्टिमेट नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ओवर द वेस्टिंग पीरियड. यानी मैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड ये एस्टिमेट करूंगा कि मुझे कितने ऑप्शंस ग्रांट करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे. तो यहां पर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्ट
permitted to be exercised number of options expected to be exercised is equal to number of employees satisfy वेस्टिंग कंडीशन. सबसे पहले ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय टू ईच एम्प्लॉय. बहुत ध्यान से सुनना, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड मुझे ढूंढना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है. और वो कैसे निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहां पर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेटिस्फाइंग द वेस्टिंग कंडीशन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय. ईयर वन पर सोच होगी, ईयर टू पर भी सोच होगी, लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड का लास्ट ईयर होगा वहां पर हमें हमेशा क्या करना है, एक्चुअल डेटा लेना है, क्योंकि आज हमारा जो कंडीशन को पूरा करने का टाइम है वो एंड हो रहा है. तो जितने एक्चुअल एम्प्लॉई होंगे हम उन्हीं को क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे. क्लियर? बिल्कुल. नंबर ऑफ एम्प्लॉईज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई वेस्टिंग कंडीशन. यानी अब हमारी जो सिचुएशन है, जो कैलकुलेशन है, वो इस बात पर होगी कि आप ये कैसे देखोगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वेस्टिंग कंडीशन को पूरा करेंगे. क्योंकि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाल पाए तो ही आप उसको नंबर ऑफ ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए दो तरह का डेटा गिवन हो सकता है. सिचुएशन वन, इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट left are given. आपको क्वेश्चन में एम्प्लॉइज लेफ्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है. और सिचुएशन टू, इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्चर रेट इज गिवन. ऑब्लिक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसको नंबर ऑफ
ऑप्शंस परसेंटेज इज गिवन। बहुत ध्यान से सुनना, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, एम्प्लॉइज लेफ्ट की इंफॉर्मेशन और डिपार्चर रेट की इंफॉर्मेशन। अगर एम्प्लॉइज लेफ्ट की इंफॉर्मेशन है तो टोटल एम्प्लॉइज माइनस एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस एक्चुअल डिपार्चर एक्चुअल लेफ्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और एक्चुअल लेफ्ट ऑफ करंट ईयर माइनस एस्टीमेटेड लेफ्ट फॉर फ्यूचर पीरियड। ये लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में से प्रीवियस ईयर के एक्चुअल माइनस कर देना, करंट ईयर के भी एक्चुअल माइनस कर देना, और फ्यूचर जो है उसका एस्टिमेटेड माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से फिर सुन लेना, टोटल एम्प्लॉइज लेना, एक्चुअल लेफ्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस, एक्चुअल लेफ्ट ऑफ करंट ईयर माइनस, और एस्टिमेटेड लेफ्ट फॉर फ्यूचर पीरियड लेस करोगे। लेकिन अगर आपको डिपार्चर रेट गिवन है तो आप टोटल एम्प्लॉइज माइनस एक्चुअल लेफ्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस एक्चुअल लेफ्ट ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस परसेंटेज ऑफ डिपार्चर रेट ऑफ फ्यूचर। टोटल एम्प्लॉइज में से प्रीवियस ईयर का लेफ्ट, करंट ईयर का भी एक्चुअल लेफ्ट, और जो भविष्य में छोड़कर जाएंगे उसको हम डिपार्चर रेट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ये दोनों बातें आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा बस सिचुएशन को पहचानेंगे आप, जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ही सिचुएशन को देख लें। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट का डेटा गिवन है या फिर आपको डिपार्चर रेट गिवन है तो आपके पास इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मैं सिर्फ ये निकालने की वर्किंग सिखा रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेटिस्फाइंग द वेस्टिंग कंडीशन, तो वो हम इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सिचुएशन वन और सिचुएशन टू। लिखे नोट, Sometimes percentage of employees oblique options sometimes percentage of employees or options
विच विल सेटिस्फाइंग कंडीशन इज गिवन डायरेक्टली देन यूज सच परसेंटेज डायरेक्टली। ठीक है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस स्टेप को समझने में समय लगेगा कि आपको नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज ढूंढने हैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड, और उस ओवर द वेस्टिंग पीरियड पर खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, और इस ओवर द वेस्टिंग पीरियड में ध्यान क्या रखना है। ईयर वन एस अगर मान लीजिए 3 ईयर्स का पीरियड है फॉर द कंडीशन, तो फर्स्ट ईयर के एंड में सोच, सेकेंड ईयर के एंड में सोच, बट वेस्टिंग पीरियड का जो लास्ट ईयर होगा वहां पर आप हमेशा एक्चुअल पीरियड को ही क्या करोगे, कंसीडर करोगे। दैट इज योर स्टेप नंबर 3। आइएगा स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट एनुअल एक्सपेंसेस, कैलकुलेट एनुअल एक्सपेंसेस बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूला, फॉलोइंग फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड और इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस पीरियड पीरियड्स। लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है कैलकुलेट एनुअल एक्सपेंसेस निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे एनुअल एक्सपेंसेस। या फिर अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इसी फॉर्मूले में फेयर वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो नोट डाल दीजिए, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट गिवन, ऑफ ऑप्शन इज नॉट गिवन, देन
यूज इंट्रिंसिक वैल्यू, यूज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले में फेयर वैल्यू की जगह पर क्या रख देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को रखकर अपने एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड। नाउ स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर अंडर दिस प्लान। उसके बाद इस प्लान में हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये लीजिएगा, ये हमारे पास प्लान की स्टेप्स हो गई, एंट्रीज भी हम लिखेंगे, बट एक बार हम फटाफट से इन स्टेप्स को वापस से रिवाइज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वेस्टिंग कंडीशन देखो कि आपके ऊपर यानी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई पर क्या कंडीशन इम्पोस्ट की है। क्या वो सर्विस पीरियड की कंडीशन है, क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है, या वो दोनों को इनबिल्ट करके है। पॉइंट नंबर टू, उसके बाद वेस्टिंग पीरियड आइडेंटिफाई करो। वेस्टिंग पीरियड का मतलब हो गया कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमारे एम्प्लॉयज इतने समय में उस कंडीशन को पूरा कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे वो वेस्टिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज होंगे। अगर पीरियड गिवन नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच काम में लोगे। अब उसके बाद ये एस्टिमेट करो कि हमें कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। इस बात के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपने ग्रांट डेट पर जो कंडीशन इंपोस्ट की है उसके अकॉर्डिंग हर ईयर के अंत में सोचना है। जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होंगे वो ईयर एंड पर होंगे, तो आपको हर ईयर के एंड पर सोचना है। पहले ईयर पर जब हम पहुंचे तो ये सोचेंगे कि हमें ईयर थ्री में कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। फिर हम ईयर टू पर पहुंचेंगे तो दोबारा सोचेंगे कि अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अब हमें कितने लोगों को ईयर थ्री में शेयर्स देने पड़ेंगे। और फिर जब हम ईयर थ्री पर पहुंचेंगे तो हम एक्चुअल डेटा को कंपेयर करेंगे कि हाँ अब हमें एक्चुअली कितने लोगों को देना पड़ेगा, और ये उसका फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ढूंढने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एम्प्लॉइज लेफ्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास, या फिर आपके पास डिपार्चर रेट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, प्रीवियस ईयर का एक्चुअल, करंट ईयर का एक्चुअल, फ्यूचर का एस्टिमेटेड। एक्चुअल प्रीवियस ईयर का, एक्चुअल करंट ईयर का, और फ्यूचर के लिए 1 माइनस डिपार्चर रेट को आप अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे पास ओवर द वेस्टिंग पीरियड एनुअल एक्सपेंसेस का अमाउंट आता जाएगा। आफ्टर दैट हमें कुछ जर्नल एंट्रीज इस प्लान में करनी होगी। जब हमने सारे खर्चे निकाल लिए तो अब हम इस प्लान में क्या डालेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज डालेंगे। जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज अंडर इक्विटी सेटल्ड प्लान, इक्विटी सेटल्ड प्लान। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की अंडर इक्विटी सेटल्ड प्लान। सबसे पहले है एंट्री फॉर एक्सपेंस, एंट्री फॉर एक्सपेंस।
एम्प्लॉइज बेनिफिट ऑब्लिक कंपनसेशन डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट सबसे पहले एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ये लीजिए हमारे पास खर्चों को रिकॉर्ड करने की एंट्री हो गई। एक्सपेंसेस अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्चों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पीएनडल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट खर्चों को ट्रांसफर करने की एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। आप यहां बेनिफिट की जगह एक्सपेंस टर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पीएनडल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। व्हेनेवर एक्सपेंस ऑफ एनी ईयर रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। मान लीजिए कि कोई भी जो खर्चा है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो एंट्री क्या डालेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अगर किसी भी खर्चे में नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव कब आएगा? जब हमने प्रीवियस में खर्चा बहुत ज्यादा बुक कर दिया है, जबकि इस पर्टिकुलर ईयर तक हमारा खर्चा कम होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर ईयर तक यानी सेकेंड ईयर तक मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा खर्चा 1 लाख होना चाहिए था, जबकि ड्यू टू द एस्टिमेशन इन ईयर वन मैंने ईयर वन में ही खर्चा 1,20,000 लिख दिया है। तो इससे मेरा खर्चा नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव जाने का मतलब है खर्चे को हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं और अपनी लाइबिलिटी को हमने कैंसिल कर दिया। पॉइंट नंबर फोर, व्हेन
एक्सरसाइज प्राइस रिसीव्ड व्हेन एक्सरसाइज प्राइस रिसीव्ड, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट पेमेंट रिजर्व अकाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। जैसे ही आपको एक्सरसाइज प्राइस रिसीव होगी आप ये एंट्री डाल देंगे। व्हेन शेयर्स आर इशूड, अब हम जब शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये शेयर इशू करने की एंट्री हो जाएगी। एंट्री फॉर वेस्टेड ऑप्शन लेप्स्ड, अगर हमारे ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद एम्प्लॉई शेयर्स लेने से मना कर देते हैं तो हमारे जो वेस्टेड ऑप्शन लेप्स्ड होंगे उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, उनका जो खर्चा बुक किया है उस खर्चे को हम कैंसिल करेंगे और जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगी एंट्री फॉर वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, एंट्री फॉर अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। देखिएगा अगर आपके कोई भी अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड होते हैं तो उसकी आपको सेपरेटली कोई एंट्री नहीं डालनी है, देयर विल बी नो एंट्री फॉर अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। तो ये आपके पास जर्नल एंट्रीज बनती हैं इक्विटी सेटल्ड प्लान के लिए। खर्चा रिकॉर्ड करेंगे हर साल, खर्चे को पीएनडल में डालेंगे, जब एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तो एक्सरसाइज प्राइस रिसीव होगी, उनको शेयर्स इशू करेंगे। अगर कोई वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए हैं तो उन वेस्टेड ऑप्शन लैप्स की एंट्री डालेंगे, लेकिन अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स की कोई एंट्री आपको नहीं डालनी है। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज प्राइस रिसीव की है वो ले लेंगे, प्लस वैल्यू
एट विच एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड यानी या तो फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, हमने जिस भी वैल्यू पर खर्चा रिकॉर्ड किया है वो ले लेंगे, तो ये आपके पास आएगा टोटल। ठीक है, ये बेसिकली एक शेयर की मार्केट प्राइस आ जाती है भाई। इतना हमने लोगों से लिया, बहुत ध्यान से सुनना, और इतने का मैंने खर्चा माना। आप समझ के देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि मान लो एक कंपनी के शेयर के बदले में मैं उनसे 20 रुपए तो रिकवर कर रहा हूं और 15 रुपए का खर्चा बुक कर रहा हूं, तो व्हाट डज इट मीन, मेरे उस शेयर की टोटल वर्थ 35 हुई कि नहीं हुई? लिसन अगेन, मैंने लोगों से यानी एम्प्लॉइज से 20 रुपए तो एक्सरसाइज प्राइस के लिए, और मैंने अपना खर्चा ज्यूम किया 15 का, क्योंकि मैंने खर्चा जो रिकॉर्ड किया वो 15 किया, तो व्हाट डज इट मीन कि मेरे शेयर की टोटल वर्थ 35 है। अब इस टोटल वर्थ में से माइनस कर दूंगा फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर, तो जैसे ही फेस वैल्यू माइनस करूंगा तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, लीजिएगा। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, जर्नल एंट्री करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्री हमारी किसमें होंगी, इक्विटी सेटल्ड प्लान में हमारे पास ये सारी एंट्रियां होंगी। आपसे लेजर अकाउंट मांग सकता है, तो लेजर अकाउंट में बेसिकली दो अकाउंट आपसे बनवाए जा सकते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। एक तो आपसे बनवाया जा सकता है लेजर अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स में पहला अकाउंट तो बनवाया जा सकता है एम्प्लॉइज एक्सपेंस का, और दूसरा अकाउंट आपसे बनवाया जा सकता है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ये दो लेजर अकाउंट भी आपसे बनवाए जा सकते हैं। दीज आर दी अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान।